हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, सुबह से मेरे पास मैसेज कॉल्स आ रहे हैं, क्या सर पीटीटी का रिजल्ट आज जारी होगा? तो बिल्कुल बात करने वाले आज इस वीडियो के अंदर पीटीटी के रिजल्ट को लेकर, पीटीटी का रिजल्ट कब जारी होगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं उनकी क्या सच्चाई है। तो बिल्कुल चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो देरी ना करते हुए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत। प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर देना। WhatsApp ग्रुप आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही पीटीटी का रिजल्ट जारी होगा, आपको रिजल्ट की डायरेक्ट लिंक आपको WhatsApp ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके बाद में काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी, उसके बाद आपके जो फीस भरने की प्रोसेस होगी, मतलब ए टू जेड आपका एडमिशन जब तक कॉलेज में होगा तब तक आप लोगों को हमारे WhatsApp ग्रुप के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। तो साथ ही साथ यदि आप BHTC की तैयारी कर रहे हो और WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है हमारे BHTC के, तो भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। WhatsApp ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। इसलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे, सीधी बात करते हैं PTT के रिजल्ट को लेकर। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करेंगे 2022 की। क्यों सर 2022 की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि पुराने रेफरेंस देना भी बहुत जरूरी हो जाता है जब किसी हम रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले साथ ही 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था 3 जुलाई को और रिजल्ट आ गया था 22 जुलाई को, यानी 20 दिनों के बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन पहले साथियों, आपके पीटीटी के आज 12 मई हो रही है ना, तो बिल्कुल आज आपके देख सकते हो कि 20-21 दिन आपके पीटीटी के रिजल्ट को भी आने को हो गए, मतलब परीक्षा को हो गए हैं 20 दिन, तो आपके आराम से पीटीटी के एग्जाम को हो चुके हैं, है ना। 21 मई से 11 मई समझे तो भी 20-21 दिन आराम से हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब आपका रिजल्ट फाइनली जारी है, वो कर दिया जाएगा। तो क्या है न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, देखो मेरे साथियों, सुबह से वीडियोस बन रहे हैं लेकिन आपको बता देता हूँ कि 3-4 दिन पहले जो ये न्यूज़ आई थी कि अगले सप्ताह पीटीटी का रिजल्ट जारी होगा, अगले सप्ताह का मतलब आज से आपके लेकर के शनिवार तक, मतलब आज सोमवार है और सोमवार शनिवार के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। इसमें लिखा था कि इस तारीख को जारी नहीं होगा, इन्होंने लिखा अगले सप्ताह जारी होगा। अगले सप्ताह का मतलब क्या है, सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, यानी 12 मई से लेकर के आप लोगों के लगभग 18-19 मई के बीच में कभी आपका रिजल्ट है, सॉरी 12 जून से लेकर 18-19 जून के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये बात थी बिल्कुल मिला करके। रिजल्ट जारी होने के बाद में हमको रिजल्ट कैसे चेक करना मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिएगा। आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए गूगल पर आ जाना है, PTT GG2 सर्च करना है, यहाँ पर सबसे पहली साइट जो आपके सामने आएगी इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऑफिशियल साइट है, आपको कहीं नहीं जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर किसका रिजल्ट आपको चाहिए, फोर ईयर का या टू ईयर का, जैसे मुझे फोर ईयर का रिजल्ट देखना है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर आप लोगों के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा PTT रिजल्ट का, यहाँ आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट रिजल्ट, ऐसा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने सारी चीज़ बता दी। अब बड़ा सवाल, सुबह से वीडियोज़ बन रहे हैं, कल से वीडियोज़ बन रहे हैं, ठीक है ना, कि पीटीटी का रिजल्ट आज इतने बजे जारी होगा। पहले से आज तो किसी के पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है, मैं पहले से बोल देता हूँ, सब अपने अनुमान बता रहे हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, जो न्यूज़ थी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि पीटीटी का रिजल्ट इसी सप्ताह के अंदर जारी होगा। अब हमको ये पता नहीं कि सप्ताह में कौन सी तारीख को जारी होगा, कौन से वार को जारी होगा, किस टाइम जारी होगा। जैसे कोई अपडेट आएगा आप लोगों को WhatsApp ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा, WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं बनवाए हैं तो डॉक्यूमेंट बनवा दीजिएगा, 5,000 रुपये की व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन बाद में आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कितने नंबर पर करवानी चाहिए, यदि आपको वीडियो चाहिए काउंसलिंग की प्रोसेस पर, तो कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ बताइए हमको भी कि हमको कितने नंबर पर काउंसलिंग करवानी चाहिए, कितने कॉलेज भरने चाहिए, कितने जिले भरने चाहिए, A to Z डिटेल आपको उस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, बिल्कुल आप लोगों को मैंने भ्रमित होने से बचाया है। आप वीडियोस ज़्यादा मत देखिए, वो तो क्लिक बेट तो करेंगे, हर कोई करता है व्यूज़ के लिए, है ना। तो ये आपको पता है यूट्यूब व्यूज़ के लिए चलता है, बिना व्यूज़ के तो यूट्यूब चलता नहीं है, तो आप समझदार हो बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।